गट्टू चिंकी के स्कूल में रामलीला। गट्टू चिंकी क्लास में अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें कर रहे थे कि तभी उनकी क्लास टीचर हाथ में एक पेपर लेकर आती है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप सबको पता ही है, दशहरा आने वाला है। इस बार स्कूल में बहुत सारे फंक्शंस होंगे, सब बच्चों को पार्टिसिपेट करना है और खूब इंजॉय भी करना है। यस मैम। गुड बच्चों, मेरे हाथ में जो ये पेपर है इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज मेंशन्ड हैं। मैं आप लोगों को एक एक करके ये पेपर देती हूँ और आप मुझे बताओ कि आपको किस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना है। फिर टीचर सब बच्चों को पेपर दिखाती है। गट्टू चिंकी की बारी भी आती है। ओहो, देखो ना चिंकी, इसमें तो रामलीला का प्ले भी है। वाओ, रामलीला, ये तो कितना एक्साइटिंग होने वाला है। चलो ना फ्रेंड्स, हम लोग प्ले में पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ चिंकी, सच में बहुत मजा आएगा। पर दोस्तों, इस प्ले में सिलेक्ट होने के लिए हम लोगों को ऑडिशंस भी देने होंगे, तभी हमें प्ले में पार्टिसिपेट करने को मिलेगा। तो चलो रेडी हो जाओ, हम सारे मिलकर ऑडिशंस देंगे और इस बार दशहरा पे धूम मचाएंगे। घर आके गट्टू और चिंकी मम्मी को रामलीला के प्ले के बारे में बताते हैं। अरे वाह बच्चों, ऑल द बेस्ट। तुम्हें पता है, मैं भी बचपन में बहुत सारे प्लेज में पार्टिसिपेट करती थी। मैं अपने स्कूल की बेस्ट चाइल्ड एक्ट्रेस थी। वाह मम्मी, तब तो हम दोनों भी अच्छी एक्टिंग ही करेंगे। क्यों, है ना चिंकी? क्या पता गट्टू, उसके लिए हमें खूब प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी तो कल हम ऑडिशंस में सिलेक्ट हो पाएंगे। हाँ गट्टू, चिंकी एकदम सही कह रही है, तुम दोनों को अब प्रैक्टिस में लग जाना चाहिए। हो, हे सीता, देखा मैंने तुम्हें रावण से बचा लिया। अरे ये कौन सी रामलीला है गट्टू, जिसमें तुमने सबसे पहले सीता माता को बचा लिया? अरे स्टार्टिंग से स्टार्ट करो ना। मम्मी गट्टू और चिंकी की प्रैक्टिस देखकर धीरे से मुस्कुरा देती है। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.untoonkids.com से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अगले दिन स्कूल में सभी बच्चे ड्रामा क्लब में लाइन लगा के खड़े थे। ओह चिंकी, मैं तो बहुत नर्वस हो रहा हूँ, कहीं मैं अपनी लाइंस ना भूल जाऊँ। अरे गट्टू रिलैक्स करो, इतनी टेंशन मत लो, बस एकदम नेचुरल होकर एक्टिंग करनी है, जिससे कि एक्टिंग जैसी ना लगे। ओह चिंकी, तुम तो एकदम प्रोफेशनल एक्टर्स जैसी बातें कर रही हो। अरे नहीं नहीं गट्टू, ये सब तो मुझे कल मम्मी ने समझाया जब तुम सो गए थे। सारे बच्चे एक एक करके ऑडिशंस देकर बाहर आते हैं और वापस अपनी क्लास में चले जाते हैं। लास्ट पीरियड में फिर से उनकी क्लास टीचर क्लास में आती है। बच्चों, ऑडिशंस के रिजल्ट्स आ गए हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि कौन कौन ऑडिशन में सिलेक्ट हुआ है और किसे क्या रोल मिले हैं, ठीक है? टीचर सिलेक्ट हुए बच्चों के नाम लेती है और उनके रोल्स बताती है। तो नेक्स्ट है सीता माता। चिंकी, तुम्हें सीता माता का रोल मिला है। ये, मुझे सीता माता का ही रोल करना था। वाओ चिंकी, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें जो चाहिए था वही रोल मिला। थैंक यू गट्टू। और हरी, तुम्हें राम जी का रोल मिला है। यप्पी, थैंक यू मैम। अरे राम जी का रोल तो मुझे करना था, चलो कोई बात नहीं, कांग्रेचुलेशंस हरी। थैंक यू गट्टू। और गट्टू, तुम्हें रावण का रोल मिला है। अरे पर क्यों मैम, मुझे तो राम जी का रोल करना था, मैंने तो ऑडिशन भी उसी के लिए दिया था ना। हाँ गट्टू, मगर तुम्हारी हंसी इतनी अच्छी थी कि तुम रावण के रोल में ज्यादा फिट बैठोगे, इसीलिए तुम्हें ये रोल मिला है। वेरी गुड गट्टू, आखिर तुम्हारी हंसी काम आई। चिंकी की बात सुनकर सारे फ्रेंड्स और साथ में गट्टू भी हंस पड़ता है। देखो बच्चों, हम लोग नहीं चाहते कि आपकी क्लासेस डिस्टर्ब हो या पढ़ाई का कुछ भी लॉस हो, इसीलिए आप सब स्कूल के बाद एक घंटा रुककर प्ले की प्रैक्टिस करेंगे। सब लोग कल अपने पेरेंट्स की परमिशन लेकर आना। ओके ओके मैम। स्कूल की छुट्टी हो जाती है और गट्टू चिंकी रेस लगाते हुए घर पहुंचते हैं। अरे गट्टू चिंकी भागो मत, मना किया है ना, चोट लग जाएगी। मम्मी मम्मी, हम दोनों दशहरा के प्ले के लिए सिलेक्ट हो गए हैं, हमें स्कूल में डेली एक घंटा रुकने के लिए कहा गया है, हम रुक जाए ना। हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। वैसे तुम्हें क्या रोल मिला है? मम्मी की बात सुनकर
चिंकी मुस्कुरा के गट्टू को देखती है। हाँ हाँ, तो तुम हंस क्यों रही हो? मम्मी, इसे सीता माता का रोल मिला है और मुझे रावण का। टीचर को मेरी हंसी बहुत ओरिजिनल लगी, इसीलिए उन्होंने मुझे रावण का रोल दिया है। ओहो, वेरी गुड गट्टू। तुम्हें पता है ना, रावण का कैरेक्टर निभाना इतना आसान भी नहीं है। तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी। बहुत सीरियस कैरेक्टर है, खूब अच्छे से एक्टिंग करना। हाँ मम्मी, मैं खूब प्रैक्टिस करूंगा। फिर मम्मी खाना खाकर उन लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए कहती है और साथ ही बच्चों के लिए एक्स्ट्रा स्नैक्स बनाकर रखने की भी बात करती है, ताकि वो प्रैक्टिस के बाद खुद भी खा सके और अपने दोस्तों को भी खिला सके। ओके मम्मी। अगले दिन से गट्टू चिंकी की प्ले की प्रैक्टिस शुरू हो गई। दोनों खूब मन लगा के रामलीला में पार्टिसिपेट कर रहे थे, साथ ही साथ वो घर आके मम्मी को भी एक्टिंग करके दिखाते थे। पापा भी दोनों की खूब तारीफ कर रहे थे। आखिरकार प्ले का दिन आ ही गया। चिंकी जल्दी करो ना, तुम्हें और कितना टाइम लगेगा रेडी होने में? देखो मैं कब का तैयार हो गया। हाँ तो तुम्हें करना भी क्या था, बस एक धोती ही तो पहननी थी। मुझे तो साड़ी पहननी है और चोटी भी करनी है। अच्छा, तो तुम्हें लगता है मैंने ये जो नकली 10 सर लगाए हैं ये आसान है? इसमें भी बहुत टाइम लगा था। हाँ, पूछो पापा से। अरे अरे बच्चों, लड़ो मत, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर हम सब स्कूल चलते हैं। सारी फैमिली कार में बैठकर स्कूल जाती है। ओहो गट्टू, क्या तुम अभी अपने 10 सर उतार सकते हो? दरअसल हमारी कार केवल 5 लोगों के लिए ही है ना। मम्मी की बात पे सभी हंसने लगते हैं। अरे गट्टू चिंकी, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हो। थैंक यू मैम। हेलो मैम। हेलो सर। हेलो। हेलो। चलो बच्चों, जल्दी से बैक स्टेज जाओ, प्रोग्राम बस शुरू ही होने वाला है। हेलो डियर पेरेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हैप्पी दशहरा। अब आपके सामने हमारे स्कूल के बच्चे आ रहे हैं दशहरा की रामलीला लेकर। हे सीता, मैं अभी आता हूँ, तुम झोपड़ी से बाहर कहीं मत जाना। जी स्वामी। कोई है इस घर में, भिक्षा हम दे ही। सब लोग गट्टू की रावण की एक्टिंग से बहुत इंप्रेस होते हैं। ऐसे ही रामलीला चलती रहती है और सब ध्यान से देखते हैं। रावण, तुमने मेरी सीता का अपहरण करके ठीक नहीं किया, ये लो इसकी सजा। तो इसी के साथ श्री राम जी रावण का वध करके माँ सीता को घर वापस ले आते हैं। आप सबका आज यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों ने बहुत ही अच्छे से रामलीला का प्ले प्रेजेंट किया। एक बार फिर से इन सब के लिए क्लैपिंग हो जाए। अब हम सब साथ में रावण दहन करेंगे और दशहरा सेलिब्रेट करेंगे। सारे पेरेंट्स, टीचर्स और बच्चे साथ में खड़े हो जाते हैं और हरी जो की राम बना था, वो अपने धनुष से एक छोटे से पेपर के रावण पे निशाना लगाता है। रावण जोर जोर से जलने लगता है और सब एक दूसरे को हैप्पी दशहरा विश करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।